तो डे 48 का जो व्लॉग है वो कल आने वाला था, मगर कल मैं नहीं अपलोड कर पाई तो एक दिन डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। कल क्योंकि था मेरी बेटी का बर्थडे, तो उसकी एक रील मैंने पोस्ट की है, बहुत ही डिफरेंट केक इस बार मैंने बनाया उसके बर्थडे पे, जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो अगर आप में से किसी ने वो केक देखा है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करना, और अगर किसी ने बनाया है तो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर किसी को उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मेरे पेज पर है वो। तो यहाँ पे बहुत दिन बाद मेरे पास एक चॉकलेट केक का भी ऑर्डर था, अदरवाइज़ आजकल तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स बन रहे हैं, कभी रसमलाई बन रहा है, कभी ब्लूबेरी बन रहा है, कभी बटरस्कॉच बन रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे। तो ये बहुत दिन बाद मेरे पास चॉकलेट स्ट्रॉबेरी का ऑर्डर था। सो 1 kg केक था ये, जो कि मैंने टॉल लुक में बनाना था, तो मैंने यहाँ पे 6 inches की टिन में इसको बेक किया था। ये भी बहुत स्पेशल केक था क्योंकि ये किसी के 18th बर्थडे सेलिब्रेशन पे जा रहा था, तो उनको बड़ा सुंदर सा एलिगेंट सा केक चाहिए, 18th बर्थडे इज़ ऑलवेज़ वेरी स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्राइसिंग कर दी थी, और यहाँ पे मैंने गनाज के साथ क्रश को डाल दिया था, और इसको मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। तो क्लाइंट ने जो मुझे इमेज भेजा था, मैं बिल्कुल उसका रेप्लिकेट कर रही थी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं एक पीच कलर की आइसिंग करनी थी, तो ये एग्जैक्टली पीच भी नहीं था, वीडियो में लग रहा होगा, पीच में एक ड्रॉप मैंने ऑरेंज डाला था, बड़ा डिफरेंट सा कलर था जो क्लाइंट ने मुझे शेयर किया था, तो मुझे उसी की जैसा इसको एक लुक देना था। तो यहाँ पे मैं इस कलर, बहुत डिफरेंट सा कलर बना के मैं इसकी आइसिंग कर रही थी, और इसके साथ ही मुझे इसमें केक में लगाने थे कुछ रियल फ्लावर्स, तो वो भी मैं लेकर आई थी। और फ्लावर्स की कॉस्ट हम हमेशा अपने केक में ऐड करते हैं, और जब भी मुझे इस तरह का कोई फ्लोरल केक जिसमें रियल फ्लावर्स लगने ऐसा ऑर्डर आता है ना, तो मैं प्राइस जो होता है ना वो टेंटेटिव बताती हूँ कि इतना तक लग सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना प्राइसेस जो रहते हैं ना फ्लावर्स के, वो कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसका प्राइस मैं ऑलवेज टेंटेटिव रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मैचिंग कुछ केक के साथ मैचिंग फ्लावर्स लेकर आई थी, और इसको मैं यहाँ पर फ्लोरल टेप से कवर कर रही थी। कवर करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि अब पूरे केक के साथ टच होता है इस टाइम, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लगा रही थी फ्लावर्स, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था ना ये। और यहाँ पे मैंने कुछ लीव्स भी लगा दी थी, तो यस इनको वॉश कर लेते हैं हम पहले, और उसके बाद इसकी स्टेम को हम कवर भी कर देते हैं ताकि वो इतना वो ऐसा हार्मफुल ना रहे। और उसके बाद जब जैसा डिज़ाइन था, कुछ मैंने गोल्डन पर्ल्स लगा दिए, कुछ और इस तरह के पर्ल्स वगैरह और लगा दिए, तो 18th था तो थोड़ा स्पेशल था, तो 1 और 8 नंबर का मैंने टॉपर लगा दिया, और उसके बाद मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिया था। तो ओवरऑल इतना ब्यूटीफुल, इतना एलिगेंट ये केक लग रहा था ना, मतलब मुझे अगर कोई बोले ना तेरा फेवरेट क्या है, तो मैं बोलूँगी मुझे ऐसा कि मेरा केक फेवरेट है, बट ये सारे के डिज़ाइन अलग होता है, डिमांड अलग होती है। तो ये था मेरा आज का केक, और साथ में एक और भी केक बनाया, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो ये था मेरा 48 day का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।